ये गारंटी नहीं दे सकता, क्या मतलब? देखिए बहुत देर हो चुकी है, इनकी हालत बहुत नाजुक है। डॉक्टर अगर आप ऐसे बात करेंगे तो हम सबका हौसला टूट जाएगा। स्ट्रेचर बुलाइए, इसको हॉस्पिटल लेके जाना है। नहीं, छुटकी बहू को उठाकर हमारे कमरे में ले चल। अम्मा ये आप क्या कह रही हैं? सिया जी को इस वक्त हॉस्पिटल ले जाना बहुत जरूरी है, इनका ट्रीटमेंट जल्द से जल्द शुरू हो जाना चाहिए। इलाज होगा लेकिन घर पर। लेकिन यहाँ कैसे इलाज होगा? हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा, यहाँ सारी सुविधाएं उपलब्ध करा ली जाएंगी कप्तान साहब, लेकिन ये बात घर के बाहर नहीं जानी चाहिए, इसीलिए सारा इलाज घर पर ही होगा। अम्मा कोई क्या कहेगा मुझे उसकी परवाह नहीं है, इस वक्त सिया जी का इलाज बहुत जरूरी है। सिया जी की हालत इतनी खराब है और मैं ये सोचूं कि मोहल्ले वाले क्या कहेंगे। नहीं अब मैं सिया जी को अपने साथ हॉस्पिटल लेके जा रहा हूं। समर, तुम जिसे लेकर जा रहे हो वो केवल तुम्हारी धर्म पत्नी नहीं, इस घर की बहू भी है। और डॉक्टर ने तुम्हें गारंटी दी हो या न दी हो, लेकिन हम तुमसे कहते हैं कि छुटकी बहू को कुछ नहीं होगा। तुम्हें अपनी मां पर विश्वास है या नहीं? सिया की हालत बहुत गंभीर है, उसे हॉस्पिटल ले जाना जरूरी है। कप्तान साहब, जितनी आपको चिंता छुटकी बहू की है उतनी हमें भी है, इसीलिए हमने घर में इमरजेंसी का सारा इंतजाम करके रखा है। लेकिन यहाँ सारी सुविधाएं हो जाएंगी कप्तान साहब, छुटकी बहू की हालत बहुत नाजुक है, जाने में वक्त लगेगा, उतनी देर में यहाँ इलाज शुरू हो जाएगा। और आप परेशान ना हो कप्तान साहब, डॉक्टर साहब पूरे दलबल के साथ आए, वो सब संभाले। डॉक्टर साहब, अगर किसी भी चीज की जरूरत पड़े ना तो हमें तुरंत बताइए, हम इंतजाम करेंगे। अगर सामान यहाँ नहीं मिला, दिल्ली से मंगाने की जरूरत पड़ी तो हम वो भी मंगाएंगे। देखिए आप लोग चिंता मत कीजिए, बस अभी आप सब बाहर जाइए। जी आइए। आइए आइए बोलिए। मुझे थोड़ा बॉइल्ड वाटर चाहिए। छुटकी बहू की तबीयत अब कैसी है?
अभी खतरे से बाहर नहीं है, कंडीशन थोड़ी खराब है। अम्मा मेरी बात मानिए, सिया जी को हॉस्पिटल ले चलते हैं, यहाँ उनका ट्रीटमेंट होना मुश्किल है, कहीं कुछ हो ना जाए। अरे बेटा, अगर माँ के होते हुए बेटा परेशान होकर केचुआ होने लगे तो कैसे चलेगा। चलो तुम्हारा धीरज कम हो रहा है, चल के अपने पिताजी के साथ चल। अरे कप्तान साहब, आप किसे फोन कर रहे हैं? मलकिन, संधि जी को उनकी बेटी की तबीयत के बारे में बताना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। ये कुछ सोचिए तो। अरे सिया बहू की पहले हालत हमें तो ठीक से पता चल जाए, फिर संधि जी को बताना उचित है ना। अरे माँ बाप को उसकी बेटी की तबीयत के बारे में बताना चाहिए। जब सही समय आएगा तो बता दिया जाएगा कप्तान साहब। बाबूजी, यहाँ ना बात का बखेड़ा बन जाएगा, फिर आपके समधी जी यहाँ आके साउट पलंजर बतियाएंगे। अम्मा ना सही कह रही हैं, विपक्षी पक्ष को ना पता चल चुका है कि हम चुनाव में उतर रहे हैं, मत कीजिए। हमारा फोन का ही झांझा बच रहा है, पता नहीं कौन हमारे फोन का इतना प्यासा है, अभी हम देख कर आते हैं। अरे बड़का भैया, प्रणाम। कैसे हैं आप? खुश रहो। कैसी हो तुम और मिन्नी, और ससुराल में सब कैसे? सब ठीक ही है। आप बताइए, कैसे याद आ गई अपनी छुटकी बहना की? अच्छा हाँ, हम ये जानने के लिए फोन किए थे कि तुम्हारा देवर बलबल चुनाव में खड़ा हो रहा है का? हाँ, लड़ तो रहे हैं, अगर मानी राम वाला टिकट मिला तो। पे तेरी, हुई गई ना गड़बड़। अरे उस सीट से तो विपक्षी दल के लिए सिद्धेश्वरी देवी चुनाव लड़ रही है। सिद्धेश्वरी देवी जो है हमारे चचिया ससुर की दूर की रिश्तेदार है। असल में हम नौलखा जी को ये सब कहने के लिए फोन करने ही वाले थे कि वो अपना समर्थन उन्हें दे दें, पर अब तो मुश्किल ही लगता है। अच्छा हुआ कि हम पहले उन्हें फोन नहीं किए। फोन करने से कुछ फायदा नहीं होता बड़का भैया, क्योंकि क्या है ना, यहाँ तो उससे भी बड़ा वाला कांड हो गया है। हमारी छुटकी देवरानी के कमरा में आग लग गई थी और वो तब अंदर ही थी। अब पता नहीं बचेगी या राम नाम सत्य होगा, अब ई तो भगवान जी ही जाने। अरे बाप रे, तो बहुत बड़ा कांड। अच्छा सुनो, अपनी सासू माँ से कहना कि ई बात घर के बाहर ना जाने पाए। कहा है कि सिद्धेश्वरी देवी बहुत ही चालाक है, और अगर ई बात उन तक पहुंच गई तो कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी सासू माँ जेल में और बलबल भैया राजनीति से बाहर। तो जरा संभल के। अच्छा कह देंगे हम, रखते हैं। प्रणाम। प्रणाम। सासुमा जेल के अंदर और बलबलवा राजनीति से बाहर, मतलब एक तीर से दो निशाने। हेलो, हम सिद्धेश्वरी देवी जी से बात कर सकते हैं? आप कौन? आप, हम वो वोटर बोल रहे हैं जो आपको वोट देंगे भी और अपने जैसी औरतन से वोट दिलवाएंगे भी और बहुत ही काम भी आएंगे। वो का है ना, वो जो सिद्धेश्वरी देवी जी के खिलाफ खरजंगी बलबलवा मानीराम की सीट के लिए लड़ रहा है ना,
ओकरे लुटिया डुबा देने वाली खबर है हमरे पास, बस अहली फोन किए थे। तो बोलिए ना जल्दी, मैं उनका सेक्रेटरी भंडारी बोल रहा हूँ, बोलिए। अब चाहे आप भंडारी हो या पिचकारी, सिद्धेश्वरी देवी तो नहीं ना है? इतने बड़े भेद वाली बात आपको कैसे बता दे? ये बात तो हम सिद्धेश्वरी देवी को ही बता सकते हैं। अब नहीं है तो क्या कर सकते हैं? हम बाद में। अच्छा सुनिए मैम, एक मिनट आप प्लीज चलो रुकिए। मैडम वो नौलखा देवी है सूरज कुंड में जिनका घर है, मानीराम सीट से उनका बेटा चुनाव में खड़ा हो रहा है, उनके घर में भीषण कांड हो गया मैडम, अब कोई फोन पे जो आपसे इसी बारे में बात करना चाहता है। बोलिए क्या बात है? सिद्धेश्वरी देवी बात कर रही है। कहते हैं जब सितारे बुलंद होते हैं तो लाठी भी सांप बन जाती है और तिनका भी जहाज। ये चुनाव जीतने से पहले ही फिजा हमारे पक्ष में बनने लगी है भंडारी जी, तभी तो कुछ जाल बिछाए बगैर ही मानीराम का युवा नेता बलबल हमारे शिकंजे में फंस गया। मैडम जी बलबल तो एक नव छुटिया नेता है, लेकिन इस चुनाव में वो आपका प्रतिद्वंदी है। अब डर रही थी ना उससे। बलबल जैसे बछड़े चुनावी हराई में चलना सीख ले वही बहुत है। हमें डर उसका नहीं, उसकी माँ से है, क्योंकि वो गोरखपुर की एक बहुत ही रईस रसूखदार और जिद्दी औरत है। उन्हें अपनी ताकत का इतना घमंड है कि कोई बात एक बार ठान ले तो उसे अपनी आन बान और शान का मुद्दा बना बैठती है और फिर जिद पूरी करके रहती है। मैडम जी इसीलिए आपको सालों से इशारा कर रहे हैं कि नौलखा देवी के मान में सेंध लगाने का ख्याल आपको लाना ही नहीं चाहिए, लेकिन आप है कि चुनाव तो एक सांप सीढ़ी के खेल की तरह है भंडारी जी, जिसमें जीतना है तो जुगत तो लगानी ही पड़ेगी, आमना सामना तो करना ही पड़ेगा। बस जंग में हमला पहले कौन बोलता है ये देखो। लेकिन मैडम जी आपसे जितना कहा गया है वो संभालिए। लखनऊ फोन मिलाइए पार्टी मुख्यालय में, बस एक बार उनकी हरी झंडी मिल जाए तो फिर। मैडम जी ईश्वर जी नमस्ते, माफ कीजिएगा इस वक्त आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं। वो माई मैम से कुछ जरूरी बात, एक्चुअली एक बहुत काम की खबर है मेरे पास। अभी अभी पता चला है कि नवलखा देवी जिनका बेटा बलबल जो मानीराम सीट से चुनाव लड़ रहा है, नवलखा देवी की छोटी बहू को जलाने की कोशिश हुई। अगर माई मैम की रजामंदी मिल जाती तो। जी 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 ईश्वर जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या हुआ मैडम जी? दाग दीजिए मिसाइल भंडारी जी और लग जाइए काम पर और बजा दीजिए बिगुल, क्योंकि शेरनी को पिंजरे में पहुंचाने का वक्त आ गया है। पता कीजिए कि उनकी छोटी बहू है किस परिवार से। देखो इन पर लगातार निगरानी रखनी हो, अभी तक इनकी हालत स्थिर है, लेकिन अगर इनकी हालत में कुछ भी खराबी है तो तुरंत मुझे बुला लेना। यस ठीक है ओके डॉक्टर।
कैसी है छुटकी बहू की तबीयत? पहले जितनी उनकी हालत खराब दिख रही थी उससे कहीं ज्यादा उनकी हालत खराब थी नौलखा जी, लेकिन आपके फैसले ने उनकी जान बचा ली। उनके फेफड़ों में इतना ज्यादा धुआं भर गया था, अगर आप उन्हें हॉस्पिटल लेके जाते तो रास्ते में कुछ भी हो सकता। डॉक्टर साहब, सिया जी ठीक तो हो जाएंगे ना? बस आज रात गुजर जाए। डॉक्टर साहब चलिए गेस्ट रूम में, आपके लिए जरूरत का सब सामान रख दिया हमने। अम्मा, अम्मा आप सही थी, सिया जी की हालत देख करके मुझे कुछ सूझ नहीं रहा था। बेटा हमने तुम्हें जन्म दिया और माँ अपने बेटे के साथ कभी गलत नहीं करती। हेलो जी, सिया से? आप कौन? नियति, लखनऊ से। सिया ने आप ही को फोन किया था? हेलो जी, मैं सिया की सासू माँ बोल रही हूँ। छोटकी बहू की तबीयत थोड़ी नासाज है, इसलिए वो जल्दी सो गई। जैसे उसकी तबीयत ठीक होगी हम उससे कह देंगे कि वो आपको फोन करे। नमस्ते। उसे कहीं इस घटना के बारे में पता तो नहीं चलता? हमने आगाह किया था ना, ये खबर घर के बाहर नहीं जानी चाहिए। हाँ तो ये बात अभी तक बाहर गई नहीं है मलकिन, आप सही कह रही थी। अगर ये बात बाहर गई तो लोग इसका गलत मतलब निकालेंगे। इससे पहले कि ये बात पुलिस तक पहुंचे और सारे मोहल्ले में इस बात की चर्चा हो, हमें ईश्वर से मनाना चाहिए कि किसी तरीके से सिया बहू को होश आ जाए। इसी में हम सब की भलाई है। यहाँ ऐसे क्यों बैठे हैं? कुछ नहीं बेटा, रात भर ठीक से नींद नहीं आई, ना मुझे ना तुम्हारी मम्मी को। हाँ पापा, रात थी ही बड़ी अजीब, सारी रात मन में उलझन सा रहा। मम्मी कहाँ है? सुबह ही निकल गई प्रीति के साथ मंदिर। अच्छा, शायद आ गई वो लोग। सिया के पापा आप? मैं सिया का भाई हूँ। आप लोग कौन है बेटा? नमस्ते दीनबंधु जी, माननीय सिद्धेश्वरी देवी जी, समाज सेवा ही इनके जीवन का उद्देश्य है, आपसे कुछ जरूरी बात करना चाहते हैं। आइए बैठिए। आइए बैठिए। कहिए। मैडम ने गोरखपुर में कई महिलाओं और यहाँ के निर्बल लोगों के हित में हमेशा आवाज उठाई, ऐसे समाज सेवी तो बिरले ही पैदा होते, हर पार्टी चाहती है कि ये उनकी तरफ से उम्मीदवार बने। आई एम श्योर आप लोग जानते होंगे इनको। जी लेकिन हम लोग किसी भी पार्टी से किसी रूप में जुड़े नहीं हैं और ना ही हमारी कोई इसमें दिलचस्पी है, आखिर आप लोग यहाँ क्यों? आप ये सवाल जवाब हमसे बाद में कर लीजिएगा, पहले ये बताइए कि आपकी बहन कैसी है? वो अच्छी है, अपने ससुराल में है। पर ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं आप? मतलब मेरा शक सही निकला, उन लोगों ने आपको कुछ भी नहीं बताया। क्या मतलब आप
कहना क्या चाह रहे हैं? चौंकिए मत, यही सच है। कल रात आपकी बहन सिया के ससुराल में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ। वहां आग लग गई। उस आग में सिर्फ आपकी बहन और आपकी बेटी फंसी। कि सब लोग सही सलामत हैं, सिया की हालत अभी नाजुक है। और मुझे ताज्जुब तो सबसे अधिक इस बात का है कि इस बार की आप लोगों को भनक तक नहीं लगने दी गई।